जी। नमस्कार मित्रों, सोलन हिमाचल प्रदेश के सभी पत्रकार साथियों भाइयों बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आनंद कुमार गुप्त हूं, छत्तीसगढ़ से। मदारी आर्ट शाश्वत मूवी और जागृति पिक्चर के बैनर तले लेखक और निर्देशक जिसके गोविंद मिश्र जी हैं, इन दिनों हम फिल्म प्रयोग का शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग करीब 20 दिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया है। उसके बाद इसकी शूटिंग बनारस, अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद आज सोलन पहुंचे हैं। यहां भी हम इस फिल्म का कुछ महत्वपूर्ण दृश्य फिल्मा रहे हैं। फिल्म प्रयोग जो है वो देश की वर्तमान दशा और जो दिशा है इस पर आधारित है। फिल्म इस बात का संदेश देना चाहती है कि हम अपनी आजादी का 75 साल पूरा कर चुके हैं और हम 76वें साल में जी रहे हैं। पिछले 76 वर्षों में हमारे देश में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमने करीब 6-7 पार्टियों के 15 चेहरे बदले हैं और इस 75-76 वर्षों में रोड, सड़क, पुल, पुलिया बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आज हम पूरी दुनिया में विकसित नहीं बल्कि विकासशील देशों की श्रेणी में है। ये हमारी तरक्की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीजें जो है हमारे देश को और हमारे समाज को खोखला कर रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी और प्रधानमंत्री बदलने से इस देश का सिस्टम ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और इसीलिए आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश का जो संविधान है वह मौलिक हो, स्वदेशी हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि जन प्रतिनिधि जिसको हम चुनकर 5 साल के लिए भेजते हैं वह हमारा सेवक की तरह काम करे, हमारे ऊपर शासन न करे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें लोक स्वराज नहीं, लोक स्वराज्य चाहिए। तो ये जो गांधी के जो सपने हैं, गांधी के जो विचार हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और उनके सपने आज भी प्रासंगिक हैं और इस देश की सत्ता को पुनः गांधी के विचारों को प्रयोग करना चाहिए। यही प्रयोग है, यही फिल्म का संदेश है। सोलन में क्या शूट हो रहा है, कहां से शूट हो रहा है? सोलन में जो शूट है, चूंकि इसमें कबीर जो इसका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, इनकी एक टीम है, वह भारत के अलग अलग राज्यों में जा रही है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारों से अवगत हो रही है, वो भारत को देखना चाहते हैं, तो उसका शूट हम एक पार्ट सोलन में कर रहे हैं हिमाचल। कितने टाइम की मूवी है, कितने मिनट की है? ये 2 घंटे से ये मूवी है, कंप्लीट हिंदी फीचर फिल्म है, 2 घंटे से। राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह समाज और समाज के अंदर अव्यवस्थाओं से प्रेरित है। और अगर राजनीति के बात करें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आज हमारे देश में कुछ राजनीतिक और कुछ राजनीति के लोग बेलगाम हो रहे हैं। हम उनको चुनकर किसी और काम के लिए भेजते हैं और करते कुछ और है। राजनीति में सुचिता है, राजनीति में गांधी के विचारों का समावेश हो, इस उद्देश्य के लेकर यह फिल्म बनाई जा रही है। और हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है कि 76 साल से इस देश के लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ठीक होना चाहिए। हमने इतनी पार्टियां और सरकार बदली लेकिन समस्याएं जस की तस है। अभी कितने राज्यों में शूट कर अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बाद अभी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से हम लोग पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में। अभी तो बनने में 5-6 महीना लगेगा, उसके बाद रिलीज डेट अभी तय नहीं। मुख्य कलाकार तो बहुत सारे लोग हैं, मैं आनंद कुमार गुप्त हूँ, इसके साथ हमारे राकेश नामदेव जी हैं, ये एक मुस्लिम कैरेक्टर हमीद का रोल कर रहे हैं, कुंजीलाल नामदेव हैं, ये एक ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं, और बाकी चूंकि यह वहाँ जो मुख्य कलाकार थे जितने वो अपना शूट कर चुके हैं। ट्रेवलिंग में हमारे साथ अलग अलग लोग कलाकार मिलते जलते हैं, जैसे यहाँ दिनेश शर्मा जी हमसे मिल गए हैं, आगे और उससे बढ़ते जाएंगे।